हेलो फ्रेंड्स, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे पीवीसी वॉलपेपर की, जिसे मैंने फ़्लिपकार्ट से बाय किया हुआ था। इसे मैंने फ़्लिपकार्ट से 299 में बाय किया हुआ था। अभी फ़्लिपकार्ट पे सेल है, इस वजह से ये 249 में आपको मिल जाएगी। तो इसे मैंने सिर्फ एक रोल बाय किया था, बस इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो 600 सेंटीमीटर आएगी और जो इसकी विड्थ आएगी वो 45 सेंटीमीटर आएगी। तो आप का अगर पतला वॉल है तो आप हाफ़ वॉल इससे कवर कर सकते हो इसके एक रोल से। तो ये हमने देख लिया इसका खोल के। अब हम इसे पेस्ट करेंगे अपने वॉल पे। तो वॉल पे पेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने वॉल की लेंथ लेनी है। देख सकते हैं आप, ऊपर से अपने वॉल की लेंथ लीजिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको अपने वॉल पेपर को कट करना है। क्योंकि बहुत लंबा अगर वॉल पेपर रहेगा तो वो आपके वॉल पे अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगी, उसको स्टिक करने में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप जब भी वॉल पे स्टिक करें तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स को कट कर लें, देन आफ्टर आप उसको स्टिक करें। जैसे देखिए मैंने आप यहाँ पे छोटे छोटे वो इसे मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में कट कर लिया है। अब मैं इसे स्टिक करूँगी। इसे स्टिक करने के लिए एक साइड से आपको इसे वॉल के एक साइड से थोड़ा सा हल्का सा इसका जो पीछे वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा हल्का सा स्टिक रिमूव करके और आपको धीरे धीरे करके इसे लगाना है। आप पूरा जो पीछे का कवर दिया हुआ है आप पूरा इसे एक साथ स्टिक नहीं करिए, नहीं तो ये एयर ले लेगा, फिर इसमें आपको बबल्स मिल जाएंगे। तो इसलिए इसे आप एक कपड़े की मदद से इसे लगाते जाइए और इसे रब करते जाइए, जिससे ये आपके वॉल पे बहुत ही परफेक्ट पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए मैं छोटे छोटे इसके टुकड़े करके, और ये रहा मेरा फाइनल लुक। मैंने सारे वॉल्स पे इसे स्टिक कर दिया। स्टिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये आपके लुक का एकदम से मेकओवर कर देता है, और 299 में ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको